Good morning, friends. कक्षा 11 का जो पोएट्री के पिछले दो वीडियोस आ गए थे उस क्रम में ये सेकेंड पोयम आज मैं पढ़ने जा रहा हूं। सेकेंड पोयम है 10 कलर, रॉबर्ट साउदी ने इसको लिखा है। रॉबर्ट साउदी में पुस्तकों के बारे में लिखते हैं, उन महान लोगों के बारे में लिखते हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, जो आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके विचार महत्वपूर्ण पुस्तकों में उनके द्वारा लिखी हुई हो या उनके ही बारे में किसी अन्य ने लिखी हो, किसी अन्य लेखक ने लिखी हो या कवि ने कुछ लिखा हो, वो पुस्तकें उनके विचारों को संजोए हुए हैं, कीमती विचारों को। तो उनके बारे में रॉबर्ट साउदी ने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। तो यहां पर रॉबर्ट साउदी कहते हैं कि मेरे जो दिन गुजरे हैं वो उनके मध्य भी गुजरे हैं जो लोग डेड हैं, बीते समय में थे, मतलब संसार से चले गए। अराउंड मी आई योर वर्ल्ड। मैं अपने अराउंड देखता हूं, इधर उधर देखता हूं, आसपास देखता हूं। ये वास्तव में एक लाइब्रेरी का वातावरण है जहां पर वो बैठे हैं, तो उनको ऐसे विचार आते हैं पुस्तकों को देख करके, तब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ कहा है, अराउंड अपने आसपास, मी मैं, आई बी होल्ड देखता हूं, अराउंड मी मैं अपने आसपास देखता हूं, वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर पास्ट, जहां कहीं पर भी ये कैजुअल अस्थिर आंखें, यानी कि आंखें ऐसे इसलिए कहा गया है कि हम जिधर भी देखते हैं या जिधर घूम जाते हैं सामने हमारी नजर होती है, कभी हमारी नजर कहीं पड़ जाती है, कभी नहीं पड़ जाती है। तो पुस्तकालय में जैसे ही रॉबर्ट साउदी बैठे हुए हैं तो जिधर भी देखते हैं अपने चारों तरफ अपने पुस्तकें ही पुस्तकें अपने चारों तरफ नजर आती हैं, तो देखते हैं और तब वो विचार करते हैं। वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर पास्ट, जहां कहीं पर भी आंखें पड़ती हैं, कास्ट का मतलब फेंकना होता है, दृष्टि पड़ना होता है। The mighty mind of old, mighty minds कहा गया है जो प्राचीन समय के जो लेखक रहे हैं या कवि रहे हैं, ताकतवर दिमाग, मतलब उनके जो विचार रहे हैं वो ताकतवर थे, क्रांतिकारी भी कह सकते हो उनको, या इतनी ताकत वो रखते हैं कि हम पर वो प्रभाव डालते हैं, यदि हम उनके विचारों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनसे हम प्रेरित होते हैं और हम बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए उनको माइटी माइंड्स कहा गया है, पुराने समय के प्राचीन काल के। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। इस पंक्ति में रॉबर्ट साउदी ने उनको अपने नेवर फेलिंग फ्रेंड्स कहा है। नेवर फेलिंग फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारा साथ हर परिस्थिति में देते हैं, जैसी भी कष्टकारी परिस्थिति हो सकती है, वफादार मित्र भी उनको कह सकते हैं, नेवर फेलिंग को। विद होम जिनके साथ आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ मैं डे बाई डे दिनों दिन कन्वर्स करता हूँ, यानी कि मेरा आज का दिन बीता है तो मैंने उसमें भी उन्हीं के साथ कन्वर्स किया है, उनसे बात की है। उनसे बात करने से मतलब यह है कि पुस्तकों में उनके द्वारा जो लिखा गया है, उनके जो विचार लिखे हुए हैं उनको मैंने पढ़ा है। With them I take delight in weal, और उनके साथ मैं आनंद लेता हूँ, अगर कष्ट में भी होता हूँ, दुख में भी होता हूँ, तो मुझे सुखद एहसास होता है उनके साथ, मतलब जब मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ या पुस्तकों में उनके विचार पढ़ता हूँ तो मुझे सुखद एहसास होता है। And seek relief in woe, और कष्ट में होता हूँ तो मैं जो रिलीफ को आराम को ढूंढता भी हूँ, मतलब उनके विचारों से मैं प्रेरणा लेता हूँ कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत कर रखा और उन चुनौतियों का सामना किया और अपने जीवन में सफल भी हुए। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं महसूस करता हूँ, यदि उस दौरान मैं महसूस करता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ, हाउ मच कितना टू देम उनको आई ऑफ मैं रेडी हूँ, मैं उनका कितना रेडी हूँ, उनसे मैंने प्रेरणा ली है, अपने निगेटिव थॉट्स को मैंने पॉजिटिव थॉट्स में बदला है, अपने सद विचारों में बदला है जो
दुर्विचार थे या गलत विचार थे, वो मेरे विचार सब विचारों में बदल गए उनके संपर्क में आकर या उनकी पुस्तकें पढ़कर, तो मैं सोचता हूँ मैं उनका कितना ऋणी हूँ। My cheeks have often been dewed, मेरे गाल अक्सर भीग गए होते हैं या भीग जाते हैं। With tears, आंसुओं से और thoughtful gratitude, thoughtful gratitude से मतलब है एक वैचारिक कृतज्ञता, यानी कि वो जो महान लोग थे अब तो रॉबर्ट साउदी के साथ नहीं है, लेकिन उनके विचार अभी भी उन्हें प्रेरित करते हैं और उनको एक सद्मार्ग दिखाते हैं, यानी अच्छा मार्ग दिखा देते हैं और प्रेरित करते हैं। इस पोयम में दो हिस्सों को हम इस पोयम दो हिस्सों में इस पोयम को पढ़ेंगे। ये पहला हिस्सा यहाँ पर रुक जाता है और आगे का हिस्सा अगले वीडियो में, ये शेष हिस्सा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।